बाल संत के नाम से मशहूर अभिनव अरोड़ा इन दिनों खूब चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान स्वामी रामभद्राचार्य अभिनव अरोड़ा पर भड़क गए और उन्हें टोकते हुए मंच से नीचे उतारने के लिए कहा। इसके बाद में वहां पर मौजूद सेवादारों ने अभिनव को मंच से नीचे उतार दिया। कार्यक्रम के मंच पर स्वामी रामभद्राचार्य को अभिनव अरोड़ा का बर्ताव पसंद नहीं आया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और साथ ही इस वक्त हमारे साथ में अभिनव अरोड़ा जुड़ गए हैं। अभिनव, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत है। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, मुझे लगता है वीडियो आपने भी देखा होगा, लोग उस पर अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं, आपका उस पर क्या कहना है? अभिनव, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अभिनव, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, रामभद्राचार्य जी आपको मंच से नीचे उतरने के लिए कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर वीडियो काफी वायरल है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कथा इंद्रेश महाराज जी के यहाँ जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य महाराज जी की थी, तो मुझे तब मंच की गरिमा नहीं पता थी कि यहाँ पर शांत रहना है, तो मैंने राम जी का जयकारा लगा दिया था, तो रामभद्राचार्य जी ने मुझे मंच से नीचे उतारने को कहा। तो अगर रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे मंच से नीचे उतार दिया, मुझे डांट भी दिया, तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की क्या बात है? नहीं, लेकिन अभिनव, एक आरोप आप पर लग रहा है, रील बनाने के लिए आपने ऐसा किया, बहुत दुर्भाग्य की बात है। नहीं नहीं अभिनव, एक आरोप आप पर लग रहा है कि एक बार पहले मना किया गया था, उसके बाद में दोबारा से आपने जयकारा लगाया। कई लोग इस पर इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं कि रील बनाने के लिए आपने ऐसा किया। नहीं, उस समय कोई रील नहीं बननी थी, आपको मैं क्लियर कर दूं, और महाराज जी के दर्शन करके मुझे भक्ति में लीन हो गया था, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर शांत रहना है, तो मैंने राम जी का जयकारा लगा दिया था। लेकिन अभिनव, रामभद्राचार्य जी का एक और स्टेटमेंट बाद में सामने आया, उन्होंने कहा कि वृंदावन में भी उन्होंने आपको डांटा था, आप कहते हैं कि श्री कृष्ण मेरे साथ में स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ठीक है अभिनव, लेकिन रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि एक बार वृंदावन में भी उन्होंने आपको डांटा था, आपने कहा कि श्री कृष्ण मेरे साथ में स्कूल पढ़ने जाते हैं, इस पर उन्होंने नाराजगी भी जताई। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे कृष्ण भक्त हैं जो इस पर नाराजगी जाहिर करते हैं। अभिनव, देखिए, 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में मुझे नहीं लगता कि किसने अपने गुरु से डांट नहीं खाई होगी या अपने माता पिता से डांट नहीं खाई होगी। हनुमान जी भी सूरज को खाने के लिए रपक पड़े थे बाल अवस्था में, तो बाल अवस्था में तो गलती होती ही है, व्यक्ति अपनी गलती से ही तो सीखता है। अभिनव, एक सोशल मीडिया पर और खबर वायरल हो रही है, ये किसी ने लगा कि रामभद्राचार्य जी ने, ठीक है, आप उनको अपना गुरु मानते हैं और आपको उनका उनकी डांट भी मुझे लगता है कि शिक्षा की तरह आपने उसे लिया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक खबर और ज्यादा वायरल हो रही है कि आपको धमकी मिली है, इसमें कितनी सच्चाई है? जी, मुझे धमकियां दी जा रही है, जान से मारने की धमकियां दी जा रही है, मुझे धमकी दी जा रही है कि आपको आपकी राधा रानी के पास पहुंचा देंगे। देखिए, दिवाली आ रही है, सब दिवाली की तैयारी कर रही है, शॉपिंग कर रही है, लेकिन मेरे पिताजी के पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, मेरे घर वालों के पास बहुत सारे फोन आ रहे हैं कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। इसको लेकर कोई FIR भी आपकी तरफ से दर्ज कराई गई? देखिए, मैं चाहता नहीं था उन यूट्यूबर्स के खिलाफ केस करना, लेकिन फिर भी मुझे करना ही पड़ा। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। भगवान श्री राम का उद्देश्य नहीं था खरदूषण का वध करना, लेकिन खरदूषण ने इतना उत्पात मचा दिया था कि राम जी को न्याय के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा ना। श्री कृष्ण जी चाहते नहीं थे शिशुपाल का वध करना, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल की 100 गालियां माफ की,
लेकिन फिर श्री कृष्ण जी को शिशु बाल का वध करना ही पड़ा ना, यहाँ के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा ना। तो जब तक ये मजाक में मुझे मोटा चोटा बोलते थे तब तक तो हम सुन लेते थे, लेकिन अब बात मेरी भक्ति की आ गई है, मेरी भक्ति को नकली कहा जा रहा है। तो हमने मेरी मैया ने मथुरा पुलिस में शिकायत कर दी गई है, और मुझे पूरा विश्वास है कि पुलिस अपना काम बहुत अच्छे से करेगी। ठीक है अभिनव, FIR आपने इसको लेकर कर दी है। क्या धमकी देने वालों की कोई पहचान अभी तक हुई है? क्या सोशल मीडिया के जरिए भी आपको धमकी दी जा रही है? आपने कहा कि फोन कॉल आ रहे हैं, क्या कोई जानकारी या पुलिस अभी तक ये पता लगा पाई कि घर कौन के है बाहर लोग जो हल्ला हो आपको धमकी रहा दे रहे है, हैं? कोर्ट में शिकायत दे दी है। कोर्ट में शिकायत दे दी गई है। लेकिन अभिनव, आप श्री कृष्ण जिन्हें लोग भगवान की तरह पूजते हैं, उन्हें अपना भाई बताते हैं, ऐसे में कई सारे लोग हैं जो इसको लेकर नाराजगी जाहिर करते हैं। लोगों का कहना है कि आप श्री कृष्ण की अरे तो तुलना इसमें खुद गलत से क्या नहीं कर है? सकते या फिर हमारे खुद विरज को में उनका तो भाई कोई नहीं बता ठाकुर जी सकते। को अपना दादा मानता है, कोई ठाकुर जी को अपना बड़ा भाई मानता है, कोई छोटा भाई मानता है। तो वैसे ही मैं कान्हा जी को अपने छोटे भाई के रूप में भजता हूँ। मुझे उनके साथ बातें करना, मस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। ठीक है अभिनव, लेकिन लोगों के लिए आपने ये बात कही, लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साधु संत भी अब आपको लेकर कई बार नाराजगी जाहिर करते हैं, उसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? जैसे कि राम भद्राचार्य का स्टेटमेंट आया, वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, और भी कई साधु संत हैं जो कि आपके वीडियोस पर कई सवाल खड़े करते हैं, या फिर आप श्री कृष्ण को अपना भाई बताते हैं, अगर राम उसको लेकर भद्राचार्य महाराज नाराजगी जी ने जाहिर मुझे करते हैं। डांट भी दिया तो इसमें देश का सबसे बड़ा मुद्दा उठाने की क्या बात है? ठीक है, लेकिन अभिनव आपको क्या वजह लगती है, क्या वजह है कि साधु संत भी आपके खिलाफ हैं? अरे देखिए, राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट दिया तो व्यक्ति अपनी गलती से ही तो सीखता है। 8-9 साल के बच्चे को अगर गुरु ने डांट भी दिया, राम भद्राचार्य जी देश के इतने बड़े संत, जगत गुरु परम पूज्य श्री राम भद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसमें ऐसा क्या हो गया? ठीक है, जो लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं, अपनी टिप्पणी कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे अभिनव अरोड़ा? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अच्छे कर्म करिए, किसी से मित्रता नहीं कर सकते तो शत्रुता भी नहीं करनी चाहिए। कर्मों का फल व्यक्ति को उस तरह ढूंढ देता है जैसे बहुत सारी गायों के बीच में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ देता है। लेकिन अभिनव, उस दिन हुआ क्या था? क्योंकि कई बार हम देखते हैं ना कि सोशल मीडिया पर काट छाट कर वीडियो को वायरल कर दिया जाता है, वीडियो कुछ सेकंड का ही नजर आ रहा है, उस दिन पूरा हाँ वाक्य वही क्या हुआ तो, था वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। लोग आधी चीज डालते हैं जो हुई होती है उसको नहीं दिखाते, आधी चीज डालते हैं और उसमें खूब सारी एडिटिंग करके डालते हैं। लेकिन ये सब नहीं डाला कि रामभद्राचार्य जी ने मुझे मंच से उतार दिया, मुझे डांटा। लेकिन उसके बाद ये किसी ने नहीं डाला कि रामभद्राचार्य महाराज जी ने मुझे आशीर्वाद भी दिया था अपने रूम में बुला करके, जो वीडियो आज भी सोशल मीडिया पे अपलोड है। नहीं अभिनव, बताइए कि उस दिन क्या हुआ था, मंच पर जो पूरी बात थी वो बताइए, और स्कॉर्पियो साथ में ही भक्ति उसके करना बाद गुनाह में है, भी तो क्या आपकी ये राम गुनाह मैं भद्राचार्य जी दस से बार बातचीत हुई, करूंगा, इस बारे में भी सौ जरा बार बताइए आप। करूंगा, 1,000 बार करूंगा, 1,00,000 बार करूंगा। ठीक है अभिनव, उस दिन हुआ क्या जी था मंच पे, पूरी बात मुझे लगता है आपको बतानी चाहिए, और साथ ही राम भद्राचार्य जी से आपकी बात में क्या बात हुई है वो भी जरा बताइए। पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, वो वीडियो प्रतापगढ़ का बताया जा रहा है जो कि झूठ है। वो वीडियो आज से 1-1.5 साल पुराना 2023 वृंदावन का है, जब पूज्य श्री इंद्रेश महाराज जी के यहाँ श्री राम भद्राचार्य महाराज जी की कथा थी, और वहां पर मैं गया था। तब मुझे नहीं पता था कि मंच की गरिमा है, यहाँ पर शांत रहना है, तो मैं उनके दर्शन करके भक्ति में लीन हो गया था। तो मैंने राम जी का जयकारा लगा दिया था, और उसके बाद तो मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। ठीक है अभिनव, उन राम भद्राचार्य महाराज जी तो हमारे लिए भगवान के समान हैं, वो तो संत शिरोमणि हैं।
अभिनव, ये वीडियो आपने कहा कि एक डेढ़ साल पुराना है, अभी आखिरी बार रामभद्राचार्य जी से कब मुलाकात हुई आपकी? मैंने तब दर्शन किए थे उनके। ठीक है जी। और आपको लेकर अक्सर हम देखते हैं कि सोशल मीडिया पर कई तरह के मीम्स भी वायरल होते हैं और लोग भी तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, और आपके स्कूल जाने को लेकर भी कई बार हम देखते हैं कि सवाल उठाए जाते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आप अपनी भक्ति यूं ही आगे बरकरार रखेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, लेकिन अभी ऐसी स्थिति आ गई है, लोग इतना ट्रोल कर रहे हैं कि इस चक्कर में मैं स्कूल नहीं जा पा रहा। तो अभिनव, क्या अब आपने मन बना लिया है कि अगर आपको इसी तरह से ट्रोल किया जाता रहा तो आप इसके लिए लीगल कार्रवाई करवाएंगे या फिर आप एफआईआर दर्ज करवाएंगे? क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से कोई एफआईआर नहीं दर्ज की गई थी, कई दिनों से आपको इस तरह से सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाता रहा है, क्या अब अभिनव ने मन बना लिया है कार्रवाई करने का? बिल्कुल बिल्कुल, आज हमने कोर्ट में केस कर दिया है। पुलिस को हमने बोल रखा था, कंप्लेन फाइल कर रखी थी, लेकिन जब एक्शन नहीं लिए गए तो हमने कोर्ट में केस कर दिया है। ठीक है मैम, अभिनव के परिवार वालों को लेकर भी तरह तरह के कमेंट्स आते हैं, आप उनके परिवार के सदस्य हैं, क्या आप इस पर कोई जवाब देना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिससे उसको गलत बोला जा रहा है, उसके परिवार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे उनको गलत बोला जा रहा है। आप अगर कोई गलत काम करे तो उसको गलत बोला जाए तो समझ भी आता है, इसने कुछ गलत किया नहीं, सिर्फ धर्म का मार्ग अपनाया है, धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या धर्म का प्रचार करना गलत है? तो हम गलत कर रहे हैं, हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फैमिली का बोल रहे हैं, हम फैमिली सपोर्ट कर रही है, अगर फैमिली सपोर्ट करे वो गलत है तो फैमिली भी गलत कर रही है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास बहुत, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी जी, हमारे पास बहुत सारी धमकी भरी कॉल्स आ रही है जिससे हम लोग बहुत परेशान हैं। ये हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हमारी सोशल एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की गई है, और ये प्रोपोगंडा तकरीबन एक महीने से चल रहा है। जब वो लोग इस चीज में नाकामयाब रहे तो आज ये सिचुएशन हो गई है कि आज मेरे पास 3:30-4 बजे के करीब एक व्हाट्सएप मैसेज आता है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के थ्रू हमें धमकी दी जा रही है जान से मारने। तो लॉरेंस बिश्नोई भी आपको धमकी दे रहे हैं, लेकिन क्या मैम इस बात की पुष्टि हो गई, क्या पुलिस की तरफ से आपको ये बताया गया? क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर कई बार हम देखते हैं कुछ और भी लोग इस तरह के धमकी भरे मैसेज देते हैं, हालांकि पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही, तो जल्द ही खुलासा भी हो जाएगा। हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।